जैन दोस्तों, हमारे चैनल घूम के दिखे में फिर स्वागत है। ये गुप्त गोदावरी है, गुप्त गोदावरी, और गुप्त इसलिए इसका नाम है ताकि पता नहीं है कहाँ से निकलती है, पहाड़ों के बीच में से अंदर से कहाँ से निकलती है। तो आपने जो दृश्य देखा वो अंदर का दृश्य है। अभी हम आपको चलेंगे, पूरा घुमाएंगे, इसको पूरा दिखाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको किस प्रकार से अभी हम चल रहे हैं उस तरफ। तो आइए परिसर में चलते हैं उसके। दोस्तों, ये जो हिस्सा है, ये जगह है चित्रकूट की, मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि हनुमानधरा से 20-22 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर पे है। पास ही में अनुसुईया माता का मंदिर भी है। तो हम यहाँ आए हैं। गुप्त गोदावरी ऐसी इसकी कथाएँ मानते हैं कि प्रभु श्री राम, देखिए जो गुप्त गोदावरी, देखिए गोदावरी माता का जो गोदावरी नदी है उसका पानी निकल के आ रहा है, ये गुफाओं के अंदर से भी आ रहा है। इन गुफा में आपको लेकर चलेंगे, तो वीडियो में बने रहेगा कि हम चल रहे हैं। तो कथाएँ कुछ प्रकार की, जब श्री राम, प्रभु श्री राम जब यहाँ पे आए हुए थे यहाँ पे वनवास के दौरान, तो ऐसी मान्यताएँ हैं जो कि वाल्मीकि और तुलसीदास ने अपनी कथाओं में लिखी हुई है कि उनका दर्शन करने के लिए गोदावरी जी यहाँ पे खुद उत्पन्न हुई थी उनका दर्शन करने के लिए। हालांकि अंदर से ये पता नहीं पाया जा सका है आज तक कि मतलब कहाँ से ये पानी निकल रहा है चट्टानों के बीच में से। और दो गुफाएं हैं, एक गुफा जो है बड़ी है, खाली है, जिसमें प्रभु श्री राम की एक मूर्ति अंदर बनी हुई, देखिए हम घुस रहे हैं। एक गुफा है जो बड़ी नहीं है, जो लंबी है और पानी से भरी हुई है। मैं वहाँ तक गया अंदर उस गुफा में, जहाँ तक कमर तक पानी आ गया, फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। तो आइए आपको दिखाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये गुफा, एक गुफा है, ये गुफा है, ये देखिए बड़ी गुफा है, बहुत ही बड़ी गुफा है। हम गुफा के अंदर घुस चुके हैं। ये देखिए प्रभु श्री राम की यहाँ पे मूर्ति भी, यहाँ पे लोग पूजा भी कर रहे थे। इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़, यहाँ पे श्रद्धालुओं को रोका गया है ताकि एक साथ बाहर निकला जाएगा, उधर से एक साथ श्रद्धालुओं को अंदर निकाला जाएगा, अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए बड़ी गुफा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये पहली गुफा है जिसमें पानी नहीं है, जिसमें गुप्त गोदावरी माता का पानी बहुत थोड़ा थोड़ा है गड्ढों में। और अभी चलिए देखिए लंबी गुफा में हम अभी चलेंगे। आइए अभी हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद हम जो लंबी गुफा है उसमें चलेंगे, और वहाँ चल के देखिए ऐसे ही निकल के हम देखिए पानी वाली गुफा में भी जाएंगे, जो लंबी गुफा है। ये पहली गुफा थी, और धनुषकुंड यहाँ पे है, ये पहली गुफा थी जिसमें हम जो है आए, जिसमें पानी नहीं थी। ये बहुत ही बड़ी है, हल्की पानी थी, ये बड़ी गुफा थी। अभी आइए हम चलते हैं आपको लंबी गुफा के अंदर ले चलेंगे, जो कि पानी उसमें भरा हुआ है पूरा। और मैं वहाँ तक गया जहाँ तक जो है कमर तक पानी जहाँ तक आ गया, हम वहाँ तक गए उसमें। देखिए ये आए, घुस गए वहाँ पर लंबी गुफा के अंदर। ये देखिए कितनी बेहतरीन जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। और जब भी चित्रकूट में, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, कुछ ऐसा चित्रकूट का उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जैसे हनुमानधरा हुआ और रामघाट हुआ, ये उत्तर प्रदेश में है, बाकी सब मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ से फिर वो बाहर से पानी अंदर से फिर यहाँ से निकल आता है, और चट्टानों के बीच से कहाँ से पानी निकलता है अभी तक पता नहीं किया गया है। दोस्तों ये वीडियो, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।